जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं सियालकोट रेस्क्यू 112 के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद। आइए उनसे बात करते हैं कि 23 मार्च के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। हमें बताइएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खास दिन था और ये मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमें बताइएगा कि आप इस दिन को किस अहमियत के हवाले से नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। 23 मार्च 1940 का दिन न सिर्फ बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों के लिए बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये वो दिन था जिसने मुसलमानों को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दी बाबा कौम कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की क्यादत में, और उन्होंने एक फैसला किया और उस तारीख साज फैसले की सिले में अल्लाह ताला ने मुमलकत खुदादत पाकिस्तान अदा की और आज हम पाकिस्तान की आज़ाद फ़जाओं में सांस ले रहे हैं। इस मौके में मैं इस पूरे बात को ब्रीफली फारूक अब्दुल्ला जो एक्स वज़ीरे आला थे कश्मीर के, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी है मीडिया पे कि 70 साल बाद भारत के साथ चलने के साथ अब हमें ये मालूम हो गया है कि कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सच कहा था, और ये अगर उन्हें अब बात समझ आ रही है तो ये अलग बात है, वरना ये 70 साल पहले भी ऐसे ही बात थी। और कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने यही देख के हिंदू अपनी अक्सरियत के बलबूते पर बुलडोज करेंगे और जितनी भी अकलियतें बशमूल मुसलमान ईसाई सिख और दूसरी बरादरियों को वो जो है वो तहवाला करेंगे बल्कि उनको तहतेक करेंगे। गुजरात के इंसिडेंट को देखें, कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत किया गया, तो ये सब इस बात की अक्कासी करता है कि 1940 का जो मुसलमानों का लाहौर के मंटो बार का फैसला था वो तारीख साफ फैसला था, और उसी की जो है आज भी अगर बरसगीर पाको हिंद और ये पूरे खत्ते में अगर पीस और स्टेबिलिटी चाहिए तो उसी जो है वो सोच को जो है वो उस पर अमल करना पड़ेगा और कश्मीर को बहरहाल इंडिया को आज़ादी देनी पड़ेगी, तभी इस खत्ते में जो अमन मुमकिन। जैसा कि आप जानते हैं 23 मार्च का दिन एक खास दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, और इलाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान मुसलमान एक अलग कौम थे, एक अलग कौम है और एक अलग कौम रहेंगे, और इसकी वजह ये थी कि मुसलमान का रहन सहन, तहजीब और तमदन, रस्म और रवाज हिंदुओं से बिल्कुल ही अलग था। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिए पे ही है ना कि पाकिस्तान मुसलमान बहसीत कौम एक अलहदा कौम है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, तहजीबी तौर पर इनके हीरोज अलहदा है, ये साथ बैठ के खा नहीं सकते, और हिंदू तंग नजरी तो इस हद तक है कि गैर हिंदू तो छोड़े, वो अपनी हिंदू बरादरी में निचली जात के हिंदुओं के साथ क्या सलूक करते हैं, तो उनसे कतई तौर पे ये तो करना कि अगर वो इकट्ठे रहते और अखंड भारत होता तो मुसलमानों के या दूसरी अकलियतों के हकूक जो है वो महफूज रहते तो ये मुमकिन ना था, और यही बाबा कौम ने उस वक्त फरमाया और यही हमारे हजरत डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का भी यही विजन था जिसके ऊपर। तो बाकी जो मुसलमानों का जुदागाना तशख्खुस है, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया था कि कुराए अर्ज पे बसने वाले तमाम कलमा को आपस में भाई भाई हैं, और इस नाते से ये तो उस एक मिल्लत के फर्द है जो मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है, और ये जगराफी हदूद की पाबंद नहीं। आज आप देखें हमारी जो परेड हुई है उसमें बहरीन से, सऊदी अरब से, तुर्की से और बाकी मुमालिक से जो तशरीफ लाए हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक कौम है, मुसलमान जसदे वाहद की तरह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ को महसूस करे। हम जो है वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान को मजबूत बनाए, पाकिस्तान के साथ वफा करें, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करें, हम सब मिल के इसको खुशहाल, हंसता बसता, सच सबसे शादा पाकिस्तान बनाए। जैसा कि आप जानते हैं बाबा कौम कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कुर्बानियां और आज का मोहब्बत का मतलब अमन, अमन का मतलब पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, क्या ये कौम के लिए नया पाकिस्तान तब्दीली बोल रहे हैं, क्या ये तब्दीली रोनमा हुई है, न्यू जनरेशन में कौन सी तब्दीली ऐसी रोनमा हुई है, या बेसिक जो है वो हमें बताइएगा इस आज के हवाले से।
जी, ये एक बड़ा ही आपने तवील सवाल किया है, थोड़े से लफ्जों में इसका शायद जवाब मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तब्दीली असल में पहले और बाद की सूरत हाल में फर्क का नाम होता है, तो उसके लिए सिर्फ हुकूमत, हुकूमती अदारे ये सिर्फ तब्दीली नहीं ला सकते, बल्कि जब तक अवाम की सोच और अमल में तब्दीली नहीं आएगी तो हकीकी तब्दीली के समरात जो है ना वो आम लोगों तक नहीं पहुँच सकते। तो मुझे और हम जैसे सरकारी मुलाजमों को, आपको और आप जैसे अवाम को और हमारे हुक्मरानों को और हमारी असम्बलीज को, सबको मिल के एक यूनिफाइड सिस्टम के ऊपर काम करना है, और हमने अपनी सोच बदलनी है तो हमारे अमल बदलेंगे, और जब अमल बदलेंगे तो ही तब्दीली के हकीकी समरात जो है वो नज़र आएंगे। लेकिन बहरहाल दैट इज़ अ विजन जिसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी काम कर रही है, वी हैव टू चेंज। और तब्दीली तो वैसे ही एक इरतकाई कुदरती अमल है, बच्चा छोटा होता है वक़्त के साथ जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह कभी एक छोटा सा पौधा लगता है वो खिल के टाइम के साथ तब्दील होके एक बड़ा दरख्त बन जाता है, उस पर फूल और फल आ जाते हैं। तो ये तब्दीली मुसलसल अमल का नाम है, वक़्त एक सेकंड गुजर गया तब्दीली आ गई। अब हमें ये सोचना है मिनासुल कौम के इस गुजरते वक़्त के साथ और इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात के तब्दील होते पहलुओं के साथ हमने किस तरह अपने आप को एडजस्ट करना है। तो यही जो है वो हम ये चाहेंगे कि हम जहाँ तक रेस्क्यू का ताल्लुक है तो हम बेहतर अंदाज में पहले से बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत करें, हम अपने इक्विपमेंट को, अपने स्टेशंस को, आपने आज देखा हमारा स्टेशन, उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। तो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन, और हम ये चाहेंगे कि हम उस तब्दीली में जो मुस्बत तब्दीली हो, जो लोगों के लिए अमन का पैगाम लेके आए, लोगों को हम महफूज रख सकें और हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत और हर मर्द जो है वो जहाँ भी हो वो महफूज रहें, तो ये हकीकी तब्दीली होगी। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सम्राट हम देखेंगे इस मुल्क में, और अल्लाह ताला इस मुल्क को इसकी लूटी हुई तमाम बहारें और तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह वापस देंगे।